और आज हम इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे जी तो स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर थर्टी थ्री खोल लें और देखें सिम्टम्स ऑफ सम नॉन कंटेजियस आपने नाम सुना होगा ना शुगर का हम्म डायबिटीज का कहते हैं ना इस बंदे को शुगर है इसको कहो मीठा ना खाए क्यों कहते हैं क्योंकि उसको एक बीमारी होती है यानी कि डिजीज होती है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं इस बीमारी के अंदर उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से उसका उसका हार्ट और उसकी किडनीज इफ़ेक्ट कर सकती हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और भूख लगती है आपको एक बात बताऊँ मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उनको बहुत जल्दी भूख लग जाती है और उनको गर्मियों में बहुत प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा वो जल्दी थक जाते हैं इसलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ उनके लिए जल्दी खाना बना देती हूँ इसलिए मैं आपको भी साथ साथ बता रही हूँ कि डायबिटीज़ में क्या होता है टाइडनेस होती है ब्लड ब्लड विजन जी मेरे फादर की आई आईसेट भी बहुत खराब है क्योंकि उनको डायबिटीज है ना वेट लॉस हो जाता है मेरे फादर बहुत लीन हो गए जब से उनको डायबिटीज हुई है स्किन भी ड्राई हो जाती है तो आपने क्या करना है अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी डायबिटीज है तो आपने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जैसे मैं अपने पेरेंट्स का रखती हूँ अब चलते हैं एक और नॉन कंटेजियस डिजीज के तरफ जिसका नाम है कैंसर ये बहुत खतरनाक डिजीज है ये बॉडी के सेल्स को खत्म कर देती है और ये इंसान की मौत का बाइस भी बन सकती है लेकिन इससे आपने डरना नहीं है इससे लड़ना है आए मैं आपको बताती हूँ इससे किस तरह से लड़ना है ये एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर गैर जरूरी सेल्स ग्रो करते हैं और वो बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड करके ट्यूमर्स बना लेते हैं और ये क्या होता है इट कैन स्टार्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्ट कॉमन कैंसर आर ब्लड कैंसर लिवर कैंसर स्किन कैंसर लंग्स कैंसर ई आपको पता है मेरी एक सिस्टर की डेथ हो गई और उसको भी कैंसर था उसको उसके टांग के अंदर ट्यूमर बन गया था और वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो गई और वो बहुत ज़्यादा ट्यूमर की शक्ल में सामने आया तब मुझे पता चला कि हमने कैंसर से कैसे लड़ना है इसके अंदर बहुत एक्सट्रीम टाइटनेस होती है और ट्यूमर्स बन जाते हैं और ये सारे जो होते हैं कैंसर के सिम्टम्स होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स अब अगर आपके इर्द गिर्द किसी को कैंसर हो तो आपने उसका ख्याल रखना है और उसको हौसला देना है कि उसने इस बीमारी से लड़ना है क्योंकि यह बहुत खतरनाक डिजीज है अब मैं आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में बताऊंगी इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे ना इस बीमारी ने तो बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी जब ये बीमारी शुरू हुई थी बहुत सारे लोगों की जाने ले ली लेकिन हमें इससे लड़ना भी सिखाया गया था हमने सीखा था कि हमने क्या करना है इस बीमारी में हैंड वॉश करने हैं अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखना है तो चलें इसको एक दफा रिकॉल करते हैं कोरोना वायरस डिजीज और कोविड 19 इज एन इलनेस ऑफ एयरवेज आपको पता था ना कि ये हवा में थी आप किसी शख्स के खांसने से या छींकने से दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो जाती थी और आपको पता है इसको कोविड नाइनटीन क्यों कहते हैं क्योंकि ये 2019 के लास्ट मंथ में स्टार्ट हुई थी और इससे हुआ था मिलियंस ऑफ पीपल दिस डिजीज अराउंड द वर्ल्ड आपको याद है ना कि बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया था इससे और आपको तो इसके सारे सिम्टम्स याद होंगे ना आपकी ममा ने बताया होगा कफिंग फीवर काफ सॉ थ्रॉट स ऑफ ब्रेथ आर समीन अब हमने स्प्रेड होता था आपको याद है ना कि ये स्नी से कफ ड्रॉपलेट के साथ एयर के अंदर स्प्रेड होता था वेन समन इनहेल सर्च एयर और टच इज द सर्फेस दैट हैज द वायरस दे मे ऑल्सो गेट इनफेक्टेड इस वजह से हमें यह कहा गया था कि हमने मास्क पहनना है हैंड वॉश करने हैं और दूसरों से फासला रखना है हाउ कैन वी इंफेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पेज नंबर पर देखें। वॉश योर हैंड्स मेनी यूजिंग सोप एंड वाटर कवर योर माउथ एंड नोज विद योर एल्बो और टिश्यू व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद हैज फ्लू Use a medical mask to protect others and yourself from जी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बीमारियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं जैसे कोविड नाइनटीन कैंसर ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं इस वजह से आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है इन बीमारियों के अंदर इंसान की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता कोई उसमें ज़रा भी एनर्जी नहीं रहती इसलिए आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द लोगों की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जब तक हम दूसरी वीडियो में वापस आएंगे आपने इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इन बीमारियों के सिम्टम्स को याद रखना है हम आपसे फिर से मिलेंगे तब तक अल्लाह हाफिज